लेकिन मैं आपसे आज एक सवाल पूछ रहा हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। दीप सिद्धू, उसको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया? देश सवाल पूछ रहा है संबित पात्रा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सरकार, क्या पूरे मामले में मौन दर्शक रही प्रेम शुक्ला जी? प्लीज एक्सक्यूज मी शाहनवाज हुसैन भाई, मैं ये कह रही हूँ पुलिस ने इन लोगों को रोका क्यों नहीं? क्यों रोका नहीं? लाल किले पर चढ़कर उपद्रवी झंडा फहरा देते हैं अपना, वहां जहां तिरंगा फहराया जाता है आप कुछ नहीं कर पाते और आप कहते हैं हमारा मास्टर स्ट्रोक है। कब तक बरगलाएंगे लोगों को? देश में रोज किसी न किसी मुद्दे पर डिबेट देखने को मिलती है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के बाद जो कुछ भी हुआ उस मुद्दे पर भी डिबेट देखने को मिली। मीडिया डिबेट में अक्सर सवाल विपक्ष से किए जाते हैं, पर आज हम आपको मीडिया की वो डिबेट दिखाएंगे जिसमें मीडिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सवाल सरकार के नेताओं से किए। आज तक पर ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए, लेकिन नेता विपक्ष पर दोष डालते दिखाई दिए। ऐसा होता देख रोहित सरदाना ने उन्हें तीखे सवालों में उलझाकर सही जवाब देने को कहा। क्या आप तिरंगे का अपमान भी बर्दाश्त करेंगे और निंदा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुझे हुए दिए की राजनीति जल ना उठे? तो ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है इन लोगों से। में चार महीने तक किसान का नेता के बैठे रहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते और कहते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक है हमारा। मैं उत्तर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत आते हैं, आपके राष्ट्रीय उत्सव के समय देश की राजधानी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की लेयर में होती है, उस वक्त देश की राजधानी में दंगा हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। लाल किले पर चढ़कर उपद्रवी झंडा फहरा देते हैं अपना, वहां जहां तिरंगा फहराया जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते और आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। कब तक बरगलाएंगे लोगों को? क्यों नहीं मानते कि आपसे नहीं हो पा रहा? नहीं कर पाते आप, किसी भी समय नहीं कर पाए। देश की राजधानी बार बार बंधक बन जाती है और आप उसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं हर बार। एबीपी न्यूज पर भी ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता से पुलिस और प्रशासन की नाकामी को लेकर सवाल किए, पर भाजपा नेता जब बात को गोलमोल करते नजर आए तो एंकर ने उन्हें सरकार की भूमिका को लेकर सही से जवाब देने को कहा। आप लोगों ने ये बिट्टू, ये बिट्टू जो है इन्हीं के साथ बैठा हुआ था आंदोलन में, तब कौन जिम्मेदार नहीं है? सारे जिम्मेदार यही लोग हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लाल किले का भी जिम्मेदारी नहीं हो सकते हैं, ये क्लियर आईटीओ पे शाहनवाज हुसैन साहब, जब ये क्लियर है कि वो किसान नहीं थे, बैठे हुए लोग गुंडे थे, वो आतंक फैलाने वाले वो खतरनाक एलिमेंट्स थे जो पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे। प्लीज एक्सक्यूज मी शाहनवाज हुसैन भाई, मैं ये कह रही हूँ पुलिस ने इन लोगों को रोका क्यों नहीं? करेंगे क्यों रोका नहीं? इनको लेनी पड़ेगी। अरे ये जिम्मेदारी क्या चाहते थे? वहाँ पर गोली चलाते, वहाँ जलियांवाला बाग कर देते, वहाँ क्या करते? लेकर आंसू गैस जो भी करना चाहिए था वो क्यों नहीं किया? अब ये योजना थी, ये सुनिए, ये योजना थी इनकी कि वहाँ किसान भेज दो गोली चलेगी। न्यूज 18 पर ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न आने को लेकर सवाल उठाए। इस पर भाजपा नेता कांग्रेस और विपक्ष पर उंगली उठाते दिखे, पर एंकर ने भाजपा नेता को टोका और सही तरह से जवाब देने को कहा। चदुनी ने क्या कहा था? चदुनी ने कहा था 26 जनवरी जो है ये फाइनल मैच होने वाला है, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे और बैरिकेड तोड़ के ट्रैक्टर अंदर घुस जाएगा। आप बताइए, ये तो खुद किसान नेता कह रहे हैं, ये तो खुद किसान नेता कह रहे हैं। लेकिन सारी बातें सही, सारी बातें आपकी सही है। बयान हम लगातार कल से दिखा रहे हैं, रिपीटेडली दिखा रहे हैं। कल आर पार का स्पेशल एडिशन भी हमने करा था रात को 9 बजे से रात को 10:30 बजे तक। लेकिन मैं आपसे आज एक सवाल पूछ रहा हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। दीप सिद्धू, उसको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया है? देश सवाल पूछ रहा है संबित पात्रा, जवाब दीजिए इस बात। मैं जवाब देता हूं। चाहे ये दीप सिद्धू हो चाहे किसान के नेता, सबके खिलाफ आज केस हो चुका है, 22 लोगों के खिलाफ केस हो चुका है, एनआईए का केस दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज है, मैं कैटेगरी के लिए पूछ रहा हूँ, दीप सिद्धू पर क्या एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक डॉक्टर पात्रा? एनआईए का केस दर्ज हुआ है, एनआईए का केस दर्ज हुआ है और बाकी सभी किसान नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। जो उसने तिरंगे के साथ किया है, जो उसने लाल किले पे करा है, उस पे एफआईआर दर्ज करी है आप लोगों ने? नहीं करी। न्यूज नेशन पर भी दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में सवाल भाजपा नेता से होते दिखाई दिए। एंकर ने पुलिस द्वारा कोई एक्शन ना लेने को सवाल किए, जिस पर नेता ने किसान जथेबंदियों और विपक्ष को दोषी ठहराना शुरू कर दिया, लेकिन एंकर ने ऐसा करने से नेता को टोका।
प्रेम शुक्ला जी सबसे पहले आप पर आरोप, ए सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही, तीसरा दूसरा ये कि दीप संधू तो बीजेपी का आदमी है, सनी देओल का आदमी है। गणतंत्र के दिवस, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस यानी बंदूक जिसमें निर्दोषों की जान जाए, जिसमें किसान भाइयों की हत्या हो, खून बहे और उसका राजनीतिक लाभ काटा जाए, उसकी फसल काटी जाए, ये जो जिनकी योजना थी, जिन लोगों ने शाहीन बाग जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए तो कहा इतनी हिंसा फैला दो कि दुनिया की महाशक्ति के सामने भारत जो महाशक्ति के रूप में उदय कर रहा है वो बदनाम हो जाए। गलवान की घाटी में जवानों की स्मृति करने पर किसके छाती में दर्द हो रहा था? सीधे चलता हूँ चरण सिंह सप्रा साहब के पास, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार क्या पूरे मामले में मूक दर्शक रही? प्रेम शुक्ला जी सरकार क्या मूक दर्शक रही? सरकार मूक दर्शक क्यों रही? ये भी सवाल उठता है। भाजपा नेता मीडिया के ज्यादातर सवालों को टालते ही नजर आए, लेकिन फिर भी तसल्ली इस बात की है कि मीडिया ने विपक्ष के साथ साथ इस बार भाजपा नेताओं से भी सवाल किए। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया आगे भी इस तरह से सरकार के नेताओं से सवाल करता रहेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।